Hello friends, I am your maths teacher, Mr. Manoj sir, and this is your book, Maths Files. Today I am going to start your exercise 10.1. Okay class, अब तो 10.1 start करने से पहले मैं आपको सिंपल से बयान बता दूं, अगर हमारे पास साइन है तो हम किस तरह से यूज करते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर भी प्लस है तो प्लस आएगा, बाहर प्लस अंदर माइनस तो माइनस आएगा, बाहर माइनस अंदर प्लस तो माइनस आएगा, और अगर अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस तो आएगा प्लस। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सेम साइन की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा और डिफरेंट साइन की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए हमारे पास पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को 10.1 का वन क्वेश्चन आया था, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर प्लस और अंदर माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो क्या आएगा माइनस, ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस। अब 8 - 4 हमारे पास बचा 4, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका, -6 प्लस ब्रैकेट -2, यहां पर कोई भी साइन नहीं, इस जगह कोई भी साइन नहीं, तो जहां कोई भी साइन नहीं होगा वहां पर होगा हमारे पास प्लस का साइन। तो ये हो गया हमारे पास प्लस और अंदर हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी हम ब्रैकेट पर करते हैं तो हम हमेशा ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। हम जब भी ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट में वहां पे क्या होता है मल्टीप्लाई, इट मींस हमारे पास -6 और माइनस। देन एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या रखना, अगर सिंप्लीफिकेशन है और मल्टीप्लाई नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है और मल्टीप्लाई नहीं है, तो सेम साइन के हमेशा ऐड हो, ये दोनों सेम साइन के तो ऐड हो, और अगर डिफरेंट डिफरेंट साइन के हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट, सेम साइन वाले ऐड होते हैं, डिफरेंट वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये 6 और 2 ऐड हो गया 8 हो गया, लेकिन ये दोनों हमारे पास किस चीज के हैं, माइनस के, माइनस के हैं तो माइनस लिखेंगे और प्लस के हैं तो प्लस लिखेंगे। यहां पर देखो प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन और अगर माइनस का बड़ा होता तो माइनस का साइन। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास -33 - 22, ठीक है, यहां कोई साइन नहीं है, एक प्लस का है, बाहर प्लस अंदर माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो क्या आएगा माइनस, माइनस के 33, बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, क्या है प्लस, प्लस के 20। अभी देखो ये सिंप्लीफिकेशन में, ये हमारे पास किसमें सिंप्लीफिकेशन में, ये मल्टीप्लाई में नहीं है और ना ही कोई ब्रैकेट, तो दोनों के साइन जो है वो अलग अलग है, दोनों का साइन कैसा है डिफरेंट अलग। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, इट मींस दोनों सब्ट्रैक्ट हो, दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 22 में से 33 को माइनस करना है, 22 में से 33 को माइनस करना है, अगर हम स्मॉल डिजिट से लार्ज डिजिट को माइनस करते हैं तो आता है माइनस, और लार्ज डिजिट से स्मॉल डिजिट को माइनस करते हैं तो आता है प्लस। इस चीज का ध्यान रखना, तो ये 22 हमारे पास स्मॉल है, उसमें से माइनस करना है हमें 33 को, हम स्मॉल डिजिट से लार्ज डिजिट को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा माइनस, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11, ठीक है। एक पार्ट वाला उसको दे लेते हैं, बी वाला पार्ट हमारे पास 28 माइनस माइनस 12, तो 28 बाहर माइनस अंदर माइनस, तो क्या आएगा प्लस, प्लस का 12, तो 28 प्लस 12 कितना, हाउ मच, ये हो गया आपके पास 40,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, इंसर्ट द सिंबल इज इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन, इस सिंबल हमें यूज करेंगे। तो पहले दोनों साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सिंबल लगेंगे। छोटी लेते हैं और जो डिजिट छोटी होती है उसको बड़ी लेते हैं, ठीक है,
क्योंकि माइनस का साइन उसको इरिवर्सिबल बना देता है। इस चीज का ध्यान रखना, माइनस में जो डिजिट बड़ी है वो छोटी होगी, जो छोटी है वो बड़ी होगी। प्लस की वैल्यू हमेशा माइनस की वैल्यू से ग्रेटर होती है, जीरो भी माइनस की वैल्यू से ग्रेटर होता है और प्लस की वैल्यू से छोटा होता है। तो अब इस तरह से सिंपल आइडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एबीसीडी पाई। देख लेते हैं इसका फोर्थ पाई। माइनस 15 प्लस माइनस प्लस ब्रैकेट माइनस 12 माइनस माइनस 15। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि ब्रैकेट को ओपन करो। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, माइनस बाहर प्लस अंदर माइनस, माइनस बाहर माइनस अंदर भी माइनस प्लस का। तो जो पहले सेम साइड के हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों सेम साइड के हैं, दोनों ऐड हो गए, कितना आएगा 27। लेकिन दोनों माइनस के हैं इसलिए आएगा माइनस, उन दोनों प्लस का। अब मैं 2 में से 27 को माइनस करता हूं, तो माइनस का स्मॉल वैल्यू से हम लार्ज वैल्यू को माइनस करते हैं, स्मॉल वैल्यू से माइनस कर रहे हैं लार्ज वैल्यू से, तो आएगा माइनस, माइनस का 30। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक पार्ट ऑफ लेते हैं इसका, इसमें से है माइनस 35 ब्रैकेट माइनस 82 और प्लस का 75। ठीक है, यहां कोई साइन नहीं है प्लस और अंदर क्या है माइनस, तो माइनस के 30 बाहर माइनस अंदर प्लस, माइनस का 82 यहां कोई साइन नहीं प्लस का 70। ये दोनों सेम साइन में ऐड हो गए हैं, कितना आएगा 7 11। दोनों माइनस के तो माइनस प्लस का 75। अब 75 में से माइनस करना आएगा 107। हाउ मच 2 एंड 4, तो माइनस का 40 इतना बचा हमारे पास, माइनस का 40। ठीक है, इसका इस तरह से। ओके क्लास, आज की वीडियोस में इतने, थैंक यू।